वेलकम बैक टू रिंकीज एंजल अगेन. वी आर डूइंग मंथली वीडियोस फॉर सितंबर. जैसे हम हमेशा करते हैं, तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज. इस महीने जो मैं कार्ड यूज कर रही हूँ वो है सोल्स जर्नी, या आपके करंट पीरियड, करंट मंथ में क्या जरूरी है आपके लिए, किस चीज पे फोकस करना है. मैं बहुत मैसेजेस वीकली और डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे भी डाल रही हूँ, तो आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर आप अब तक फॉलो नहीं कर रहे हैं. सारी डिटेल्स, लिंक टू माय इंस्टाग्राम पेज इज आल्सो मेंशन्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो हैड फॉलो देयर. ये वैसे ही तीन टैरो कार्ड्स एक एंजल मैसेज हम पुल आउट कर रहे हैं. यस, ये महीने भी मैं वीकली वीडियोस दे रही हूँ. एवरी संडे वीकली वीडियोस भी मेरे चैनल पे आएंगे. सो आई होप दिस हेल्प्स, आई होप आप ये इंजॉय कर रहे हो. और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन फॉर एवरी टाइम आई एम ऑन यूट्यूब यू गेट नोटिफाइड. अभी स्टार्ट करते हैं. जेमिनाई आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज आया हुआ है. देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. जो पहला कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ कप्स. आई फील कोई आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस. जितना आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, जितना आप लो फील कर रहे हो, जितने आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, यू नो इमोशनली ऐसा लग रहा है बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत बैगेज है, ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं somebody is trying to help you. तो अगर आपको कोई एक शोल्डर दे रहा है क्राई करने के लिए, आई फील टेक दैट अप बिकॉज आपके लिए ये बहुत अच्छा है. ये कार्ड बता रहा है आप बहुत बेटर फील करोगे वेंट आउट करने के बाद. ये जो सारी अंदर में भड़ास है ना, वो निकालने के बाद आप बहुत लाइट फील करो, बहुत ईजी, बहुत अच्छा फील करो. सो समवेयर इमोशनली ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये कार्ड बता रहा है, और वो भी किसी की मदद से. सेकेंडली आपके करियर में भी हमें ग्रोथ दिख रही है ये महीने. कहीं ना कहीं अगर कोई सैलरी अटकी हुई है, कोई यू नो कोई चीज बन रही नहीं है बहुत टाइम से, ये महीना बहुत अच्छा दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर. तो आपके इमोशनल एस्पेक्ट में भी ग्रोथ है, करियर में भी ग्रोथ है. ओनली थिंग इज कि आपको ना बहुत ओवरबोर्ड जाके किसी की मदद नहीं करनी है, अपने से जितना बन पड़े उतना ही करना है. क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि यार आप ना बहुत डर रहे हो इस वक्त कि यार मैं करूं नहीं करूं, किसी और को इन्वॉल्व करूं. कहीं ना कहीं ये बोल रहा है किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो आपका ब्लेम. एंजल्स बता रहे हैं इस वक्त यू नो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो हुआ है जो हो रहा है उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आप ना बहुत भाग रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या कुछ गलती होगी है तो ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो. ये कार्ड बता रहा है जितना जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे उतनी जल्दी चेंजेस आएगा, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा. सो आई फील दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. फोकस कीजिए अपने इमोशनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ पे. कहीं ना कहीं ये हैंड इन हैंड जाएगा, तो चीजें अपने आप सुलझती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है. ऑफकोर्स ओवरबोर्ड जब तक आप यू नो नहीं जाओ वो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इतना ओवर गिविंग नेचर है ना आपका ये महीने. ऐसा लगता है जो है बस दे दो, जितना अपने पास नहीं है किसी और से लेकर पर किसी को मदद कर दो. ये इंटेंशन अच्छी है आपकी, पर ये आपको अटकाने वाली चीज है. तो संभल के थोड़ा सा ध्यान से किसी की मदद कीजिए, अब इतना ओवरबोर्ड मत जाइए. और कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती होगी है या जो भी, जैसे भी, जहां आपको लग रहा है लेट मी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो हैड एंड डू दैट, वो आपके लिए सिचुएशन में बहुत अच्छे चेंजेस लाएंगे. दैट्स अबाउट इट. आई होप ये रीडिंग्स आपको गाइड करे, मदद करे. यू नो प्लीज अपना कॉमेंट्स नीचे बताइए कि आप कैसे कनेक्शन फील कर रहे हो कार्ड्स के साथ. एंड दैट्स अबाउट इट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर. थैंक यू.